students how are you all i hope you all are safe and fine at your homes so welcome to science class so we are learning about states of matter so what we have learned till now is about what is matter that we have learned in previous class that anything that occupies the space and has weight is matter सो वी हैव लर्न अबाउट स्टेट्स ऑफ मेटा कि मेटर कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं तो मेटर थ्री स्टेट्स में होते हैं थ्री फॉर्म्स में होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस और एक टाइम पे मेटर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है सो इन सॉलिड्स सॉलिड्स में मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं वहाँ पे मॉल मॉल मोलिक्यूल्स को मूव करने की स्पेस नहीं होती है सॉलिड में इसीलिए सॉलिड का शेप कैसा रहता है डेफिनेट शेप रहता है रिजिड रहता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम वॉल्यूम मींस उसका जो वेट या वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस दैट इज इट्स वॉल्यूम देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड थोड़े बहुत लूजली पैक्ड होते तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव लिटिल बिट सो लिक्विड स्ट नोट है परफेक्ट शेप उनका परफेक्ट शेप नहीं रहता उनको जिस शेप में भी हम ट्रांसफ़र करना चाहें हम कर सकते हैं एंड अबाउट गेस तो मोलिकुल्स ऑफ गेस आर वेरी लूजली पैक्ड तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो कैसे होते हैं लूजली पैक्ड इसी लिए गैस का कोई परफेक्ट ना साइज़ है ना शेप है ना वाटर वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में फाइंड होता है इसीलिए वाटर बॉयल्ज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर स्टीम जब वाटर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है तो वो क्या बन जाता है स्टीम बन जाता है गैसियस फॉर्म में आ जाता है लिक्विड हाइड्रोजन बॉयल एट माइनस टू सिक्सटी डिग्री एंड इथेनॉल बॉयल एस सेवेंटी नाइन डिग्री तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है जब हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है अगर उसे गैशियस फॉर्म में लाने के लिए माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है एंड इथेनॉल को सेवेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस पे ही इथेनॉल बॉयल होने लगता है नाउ लिक्विड्स इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स कैसे कम क्लोजली पैक्ड है है ना इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है ठीक है जैसे सॉलिड में था बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे बट यहाँ पे थोड़े से लूजली पैक्ड है सो दे हैव स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स सो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम पर लिक्विड्स का क्या है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम उनका वॉल्यूम एक जितना ही रहता है सो लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली एंड कैन बी पार्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर तो लिक्विड क्या होता है लिक्विड ईजिली फ्लो कर सकता है इसीलिए एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर पे लिक्विड जो होता है वो फ्लो हो सकता है नव पावर इन इक्वल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन अ जार बॉटल एंड जग अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे एक जार बॉटल और जग तीनों में इक्वल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क लेंगे अब तीनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेके हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इन तीनों में हम एक जैसा ही एक जितना ही मिल्क डालेंगे यू विल सी दैट मिल्क टेक्स अप अ शेप ऑफ द कंटेनर बट वॉल्यूम रिमेंस सेम इन ईच केस अब अगर हम तीनों में मिल्क को अलग अलग एक सिमिलरली डाल रहे हैं तो मिल्क तीनों में सेम रहेगा बट वो तीनों का डिफरेंटली शेप ले लेगा किसी में ऐसा नहीं होगा कि किसी जार में या जार में मिल्क कम है तो बॉटल में ज़्यादा हो जाएगा नहीं बॉटल में भी उतना ही रहेगा बट वो शेप डिफरेंट ले लेगा वॉल्यूम विमेंस सेम जैसे यहाँ पे हमने कोक को ग्लास में फिल किया तो जितनी कोक बॉटल में थी उतनी ही ग्लास में आई वॉल्यूम जो था उसका क्या रहा सेम रहा नाउ नेक्स्ट वन इज गैस तो इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर मोर लूजली पैक्ड देन लिक्विड तो गैसेस में ज़्यादा लूजली पैक्ड होते लिक्विड से भी ज़्यादा तो दे हैव अलॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है एंड देख इन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्रीली मूव करते ही इन एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं सो गैसेज है नो डेफिनेशन शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम इसीलिए ना गैसेस का डेफिनेट शेप होता है ना उसी उसका कोई वॉलीम होता है इफ़ यू कीप लाइटेड इंसेंसटिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम अगर आप एक लाइट एंड इंसेंस टिक अगरबत्ती जला के एक रूम में रखते हो तो उसकी जो स्मेल है वो स्मेल आपके पूरे रूम में चली जाएगी क्यों क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस है वो कैसे मूव करते हैं फ्रीली मूव करते हैं और जो सारी स्पेस है उसके क्या कर देते हैं मूव करके और फिल कर देते हैं तो इसीलिए ये जो खुशबू है वो आपके पूरे रूम में स्पेस में क्या करेगी फिल हो जाएगी और आपके पूरे रूम में से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी सो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इट विल बी चेंज ऑफ स्टेट एंड मिक्सचर थैंक यू फॉर वॉचिंग